شخص بر سفر کر رہا ہے. سفر کے لیے دو چیزیں ہیں کہ مسافر اور منزل کا تعین. تو اس کا منزل جو ہے اس مسافر کی مثال کے طور پر لندن ہے, اور لندن اس نے پہنچنا ہے. بہت ہی ضروری کام ہے, کوئی انٹرویو ہے یا کوئی بہت ہی اہم چیز ہے, کوئی فلائٹ ہے. اسٹیمیٹ کرتا ہے کہ 4 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا. گاڑی بہت اچھی ہے اس کے پاس. سب اختیار کرتا ہے, پیٹرول ڈالتا ہے, بہترین گاڑی ہے, تیز رفتار ہے, چلنا شروع کرتا ہے, موٹر وغیرہ سب کرتا ہے. تو چلتے چلتے دیکھتا ہے کہ ٹریفک سلو ہونا شروع ہو گئی. سلو ہوتے ہوتے ٹریفک رک گئی. اب لمبی کیوں لگ گئی؟ پتا چلا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا. کھڑے 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 1-1.5 گھنٹہ گزر گیا. کلیئر ہوا, پھر اس نے سب اختیار کیا. لیٹ تو ہو گیا, پھر چلا. چلتے چلتے پھر سائن آ گیا کوئی کہ بھی روڈ ورک, پھر بیریئر آ گیا, پھر رکاوٹ آ گئی, پھر رک گیا, پھر لمبی کیوں اور دیر ہو گئی. 1-1.5 گھنٹہ وہاں سیٹ ہوا, پھر چلا. لندن کا سفر تو ہے. پھر راستے میں کوئی ایسا معاملہ ہوا, پھر بیریئر آ گیا. آخر جب وہ پہنچا اپنی منزل پہ لندن, تو بجائے جو اس کا اسٹیمیٹ تھا 2-3 گھنٹے کے, 6-7 گھنٹے لیٹ ہو گیا. آگے جس کا انٹرویو تھا, جو کام تھا, لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ فیل ہو گیا, اپنے کام مقصد پہ نہ پہنچ سکا. یہ ایک مثال ہے اس سفر کی, مجازی سفر کے ہیں جو ہمارے یہ عام سفر ہے. اصل سفر تو یہ نہیں, اصل حقیقی سفر جو ہمارا ہے, حقیقی ہم مسافر ہیں, وہ ہے ہمارا آخرت کا سفر. اور اس کی جو منزل ہے, جو بتائی گئی ہمیں, ہم مسافر ہیں, ہماری منزل جو ہے وہ کیا ہے؟ رضائے الہی. راجتم وردیہ قرآن سے کہتا ہے کہ جس وقت تو اپنی آخری منزل پہ پہنچے, تو ایسے پہنچ کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو. اصل تو یہی ہماری سٹوری ہے بھائیو. ہم ایسے مسافر ہیں, اس منزل کو ہم نے حاصل کرنا ہے. اب جس طرح اس سفر کے لیے ہمیں اسباب چاہیے تھے, گاڑی چاہیے تھی, خوبصورت گاڑی چاہیے تھی, اس نے اختیار کیا, چل پڑا, اللہ پاک نے بھی ہمیں اس سفر کے لیے اسباب مہیا کیے ہیں. بہت ہی خوبصورت اعمال دیے اللہ پاک نے.
वो गाड़ी से भी ज्यादा तेज है जो सफर के लिए बेहतरीन शूट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजें हैं, रोजे हैं, उम्रे हैं, हज हैं, तलावत कुरान है और जिक्र अल्लाह है। ये सारे लड़ने दिए कि ये बेहतरीन गाड़ी है, बस तुम इस गाड़ियों पर बैठो और सफर अख्तियार करो, तो इंशाल्लाह जब मंजिल पे तुम पहुंच जाओगे और ऐसी पहुंचोगे जैसा कि मैं चाहता हूं। चलें, हमने वो भी अख्तियार कर लिया और जिस तरह उसने गाड़ी वाड़ी अख्तियार कर ली थी, सफर करने के लिए चल भी पड़ा था, पहुंचा तो फिर भी लेट। क्यों? कि रास्ते में क्या हुआ, बैरियर आ गए, रुकावटें आ गई, वो नहीं चल सका। अब हमारे पास नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, हज भी हैं, ज़कात भी हैं, अल्लाह ने हमें दे दी, सफर भी जारी कर दिया, फिर भी हम नहीं पहुंच सकते। क्यों? किसी तरह जिस तरह उस सफर में रुकावट है, तो इस सफर के अंदर भी रुकावटें मौजूद हैं। ये अल्लाह ताला वार्निंग दे रहा है कि इस मोटर पर जब तुम सफर करोगे तो वो गाड़ियां बहुत उम्दा दी है मैंने तुम्हें, और ये आप ये देख रहे हैं कि अच्छे अच्छा अमाल हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 99% अमाल ही करते हैं ना, सब हज भी ज़कात भी सब कुछ करते हैं, तो कितने लोग कामयाब होते हैं मुझे बताएं। आजाद तुम मर्दी अभी किस मंजिल पर कौन पहुंचते हैं, उसकी निशानी बताइए कि जो इस मंजिल पहुंचते हैं उसकी एक निशानी है, वो बताऊंगा आपको। कहने को तो हम कह देंगे जी हम तो हैं, लेकिन उसकी दलील चाहिए ना, जो कुरान बताता है, अगर तुम हो तो फिर दलील दिखाओ, तुम्हारे पास है ये चीज। गिनते हुए बस वही हमारे सुनते हैं, औलिया अल्लाह के नाम सुनते हैं, नेक लोगों के नाम सुनते हैं, यही है ना, कितने कम लोग हैं। वजह इसकी क्या है? वजह उसकी वही है कि जैसे मुसाफिर के साथ हुआ, इस रास्ते के अंदर भी रुकावटें मौजूद हैं, और जब हम चलते हैं अपने अमालों के साथ तो उन रुकावटों की वजह से हम अपनी मंजिल में नहीं पहुंच सकते। समझाइए मेरी बात, आप मुश्किल तो नहीं कि बात करने की है ताकि हम समझ जाएं, सही है ना? तो क्या वजह है कि हम सारे अमाल अख्तियार करने के बावजूद भी उस मंजिल पे क्यों नहीं पहुंचते जिसको हम रज़ा इलाही कहते हैं? क्योंकि रज़ा इलाही की निशानी क्या है, ताकि ये भी पता हम चल जाए कि रज़ा इलाही कि अल्लाह हमसे राजी, इसकी क्या निशानी है? उसकी निशानी बिल्कुल एक बड़ी वाज़ह निशानी कुरान ने बताई है कि रज़ा इलाही की निशानी ये है कि फिर जिससे अल्लाह राजी हो जाता है, और बंदा जब अल्लाह से राजी होता है तो उसमें एक सिफ्त एक पैदा हो जाती है कि अल्लाह सुभाना ताला के हर फेल पे राजी हो जाता है। उसको ये तमीज खत्म हो जाती है कि ये मुश्किल है, ये गलत है, ये मामला क्यों हुआ, ये परेशानी क्यों है, वो इस स्टेज से निकल जाता है कि जो कुछ भी समझता है कि जो कुछ भी अल्लाह की तरफ से मैं राजी हूं, मेरा महबूब है। मरदैया तो जब इस स्टेज पे पहुंचते हैं तो अल्लाह कहता है जब तू सारी जिंदगी में हर फेल पे राजी रहा, तकलीफ दी तू राजी, परेशानी दी तब राजी, गुर्बत दी तब राजी, इतने बड़े बड़े इम्तहान दिए तब राजी, तो अब तेरा रब कैसे नाराज होगा? जा तू राजी तो मैं भी राजी, फतखुल जन्नत, दाखिल हो जाए जन्नत, फिर अच्छे लोगों के साथ तुझे मैं खोल दी जन्नत के दरवाजे। अब हम अपनी कैफियत को देखें, अमाल तो हमारे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हमें दिए हुए कि हम इस हालत पे पहुंच गए कि हम अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह से राजी हो गए, समझा गई ना? अब हम तजिया कर सकते हैं, ये कोई खौफ पैदा करने की बात नहीं, अभी हम जिंदा हैं, सांस बाकी है, जिंदगी बाकी है। ये तो सफर ऐसा है कि तो जो है ना तेज से तेज रफ्तार जहाज भी हो उससे भी पहले अगर आज ही हम इस चीज को पकड़ लें तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ही रात में मंजिल मिल सकती है। तो अल्लाह ने इतना शॉर्टकट मारा है रास्ते में, लंबा है नहीं, दीन तो बहुत आसान है। अगर समझ आ जाए नुकता जो आज हम अल्लाह ने समझा रहे हैं तो बात तो मुश्किल ही, यहीं बैठे बैठे काम हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह राजी इसी वक्त हो जाएगा, ऐलान कर देगा राजी हो उससे। तो पता चलता है कि सिर्फ आमाल नहीं है बल्कि इसमें दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है, यानी उसकी गाड़ी नहीं थी, पेट्रोल नहीं था, सब कुछ था, लेकिन असल रुकावट क्या थी कि वो नहीं पहुंच सका क्योंकि बैरियर थे। इसी तरह अमाल ही नहीं है बल्कि हकीकत ही है कि जो बैरियर्स हैं इस रास्ते में, जो रुकावटें हैं उनको तोड़ा जाए, बोले सुभान अल्लाह, उस पर तवज्जो दी जाए।
मुसाफिर जब सफर करे तो पहले देखते हैं कि वेदर कैसा होगा, कौन सी रास्ता क्लियर होगा, किस रास्ते से मैं जाऊं जो सेंसिबल मुसाफिर होगा। आंख बंद करके चलेगा मेरी तरह तो रुकावटें आएंगी, लेकिन उसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, देखेगा वो वेदर सुनेगा, रिपोर्टें देखेगा, यार कल मैंने फ्लाइट लेनी इतने बजे तो मैं देख लूं कौन सा रास्ता, कौन सी जो रोड है मेरे लिए बेहतर रहेगी। करता है नहीं करता? इसी तरह आदमी जो है अल्लाह के रास्ते का जो मुसाफिर है, जो चलता है, तो उसकी एहतियात जिंदगी में यही होनी चाहिए कि कौन सी रुकावट है जो मैं अल्लाह तक पहुंचने से रोकेगी। गाड़ी तो बहुत शूट करने वाली मेरे पास मौजूद है, इतनी मौजूद है कि एक सिजदा करता तो अल्लाह कहता है तू सिजदा करता है तो मैं तेरे करीब हूं। कितनी बड़ी गाड़ी आप ये देखे, फिर भी करीब क्यों नहीं होते? कोई रुकावट है, बैरियर्स हैं जो हमें उस तक पहुंचने से रोकते हैं। क्या है वो बैरियर? जिस तरह ये बैरियर थे बताया, एक्सीडेंट हो गया, फलां हो गई, इस रास्ते में कौन से बैरियर्स हैं, कौन सी रुकावट हैं, वो सोचने वाली बात है। अल्लाह ने इसको क्लियर किया, वो जो है मेरी नाफरमानियां हैं, गुनाह है, कि चल तो पड़ता है तो, लेकिन साथ में वो बैरियर भी तो इस्तेमाल करता है कि रुकावट सामने तेरे मौजूद होती, नमाज की तौफीक तो मैंने तुझे दे दी, लेकिन उसके बाद साथ में गुनाह भी तूने कर दिया, तो गाड़ी तेरी वहीं रुक गई, क्योंकि चल ही नहीं सकती आगे, तुमने जो गुनाह कर लिया आपका गाड़ी आगे कैसे जाएगी। हज तो मैंने तुझे करा दिया, तौफीक तुझे दे दी, लेकिन उसके बाद हज के बाद फिर तूने गुनाह शुरू कर दिया, तो कैसे पहुंच सकता है तू गाड़ी भेजी तो फिर आ गई। तो मजा तो यह है कि नमाज पढ़ने के बाद इंसान बैरियर कोई नए रास्ते में गुनाह कुछ ना हो इंसान से, ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जहां हम धोखा खाते हैं सबसे बड़ा, इसी वजह से नाकाम होंगे इंसान, बेनतहा लोग नाकामी के साथ जाएंगे। सबसे बड़ा नुकसान इंसान का ये होता है कि जिंदगी मेहनत भी करता है और मेहनत के साथ उसको डुबोते रहता है। या अल्लज़ीन आमनू ला तुबतलू अमालकुम, कुरान कहता है अपने अमालों को ज़ाया मत करो। मैंने कितनी बड़ी तुम्हें तौफीकें दी हैं, कैसे कैसे अमाल तुम्हें दिए, गुना क्यों करते हो, मेरी नाफरमानी क्यों करते हो? जब तुम नाफरमानी करते हो तो पहले रात तो रुक जाते हो, मैं फिर तुम्हें पीछे धकेल देता हूं, तुम फिर पहुंच जाते हो पीछे हालत पर। अबू उदैद रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने हसन रदी अल्लाह ताला ने रिवायत फरमाई है, फरमाते हैं बड़ी सुनने वाली हदीस है कि जब कोई शख्स, कोई आदमी गैर जरूरी कामों के अंदर मुब्तला हो जाता है, मशगूल होता है, गैर जरूरी कामों में मशगूल रहता है, अपने आप को मुबतला कर देता है, तो फरमाते हैं अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ से क्या होता है कि अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ से उसके सारे मामलात खत्म कर दिए जाते हैं, अजाब डाल दिया जाता है और उसका ताल्लुक मुनकदा कर दिया जाता है रब के साथ। कितनी बड़ी चीज है, गैर जरूरी अमूर में जब कोई दाखिल हो गया, उसमें मशगूल हो गया, तो अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ से उसके ताल्लुक जो अल्लाह के साथ है, जो उसने अमाल के साथ पैदा किए, उन सबको मुनक़द किए जाते हैं, तोड़ दिया जाता है, ताल्लुक खत्म कर दिया जाता है और अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाता है, उसको तकलीफ में मुब्तला कर दिया जाता है। गैर जरूरी अमूर हसन रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक और सहाबी से हदीस उन्होंने इस तरह बात फरमाया कि उससे सच और हक की सलाहियतें खत्म कर दी जाती, महरूम कर दिया जाता है उसको, यानी सच हक भी निकाल दिया जाता है उसे, अंधेरे में गुम हो जाते इंसान। तो मेरे भाई मनियात जो है गुनाहों का तर्क करना, गुनाहों से बचना, गुनाहों से इज्तनाब करना, गैर जरूरी अमूर, बड़ी अजीब लफ्ज है, आप गौर करें इस पर, कि कोई भी ऐसा अमूर काम बिल्कुल गैर जरूरी काम में जब इंसान मुब्तला हो गया, मशगूल हो गया। अब ये एक चीज है कि गैर जरूरी अमूर कौन सा है, तो कौन से काम है जो हम तो नहीं समझते कि तो ये बिल्कुल सही है, क्या करें, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। गैर जरूरी अमूर काम की जो तारीफ ये है कि ऐसा काम में आप मशगूल हो जाए, ऐसे काम में आप लग जाए जिससे आपकी आखिरत का कोई फायदा ही नहीं है, जिससे अल्लाह से कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका,
कुछ आपको अखरस बनी नहीं उसके साथ, उसको क्या कहा जाएगा, ये गैर जरूर अमूर है। अब कुछ भी हो, बैठे आप बस खड़े हैं, तीन तीन घंटे बात कर रहे, नमाज से निकले दो घंटे वहां इतना फला, ये सब क्या है, गैर जरूरी अमूर है। क्यों? इससे आपकी आखरत का कोई ताल्लुक नहीं है। आपने उस चीज में आपने अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया कि जो मकसद के लिए आपको ये चार घंटे अल्लाह ने जिंदगी के दिए थे, वो तो गिने हैं ना टाइम हमारे, इन चार घंटों को आपने खड़े होकर जाय कर दिए, गैर जरूरी अमूर है। इससे बेहतर था कि अगर तू कुछ ऐसा भी ना कमा सकता तो इससे बेहतर था कि तू जाके सो जाता। सुभान अल्लाह, मशनीन मशहूर हो जाता तो कम से कम उस काम से तू बच जाता, गैर जरूरी अमूर में दाखिल हो। ये मोमिन की जिंदगी है भाई, कितनी एहतियात की जिंदगी है। सब इस नुक्ते को अगर हम समझें, आप देखें कि कितनी बड़ी बड़ी इबादत को हम बचा सकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी हम मेहनतें करते हैं, उसके साथ हम फिर उन अमूर के दाखिल हो जाते हैं। और ये तो जमाना फितनों का जमाना है, तो नबी में हदीस है जैसे जमाना बढ़ेगा फितने आएंगे ना, तो अब तो इतना फितना है कि गैर जरूरी अमूर का तो सवाल ही पता, वो तो जेब में ले फिरते हैं, अभी दरवाजे से निकलते भी नहीं थे, फौरन हाथ जाता है जेब के अंदर, उसको निकाल के हम शुगल शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल ये आप देखें, बिल्कुल साथ चल रहे हैं हमारे, इतना दूर है शैतान का। और एक हदीस सुने आप, ये कितनी अहम चीज है ये, कि गुनाहों से अपने आप को बचाना ना पड़ा, इसी खुश ना हो जाएंगे हमने इतनी इबादत कर ली सब कुछ, नहीं इस पर तेज देखना पड़ता है। सूफियों के यहां ज्यादा इबादत से ज्यादा इस सब ध्यान दिया जाता है कि तू जाय तो नहीं कर रहा उसको, जबान को एहतियात से हिला रहा है, निगाहों को एहतियात, वो इस तरफ नहीं जाते हैं कि तूने तहज्जुद पढ़ी है, तूने इतनी तलावत कर ली, इस तरफ उनका कम ध्यान होता है, ध्यान इस तरफ होता है कि जय कहां कर रहा है तू, ये देख यहां पकड़ तेरी हो जाएगी। अब सुने हदीस, सूफिया साहब काम पक्का करते हैं, उस तब साधन तवज्जो होती है, बड़े बड़े तरीके से अपने मुरीदीन को संभालते हैं, तस्कियों के काम करते हैं, तस्कियों की तरफ डालते हैं, ऐसे ऐसी टेक्निक इख्तियार करते हैं कि गुनाह ना हो इंसान से, 24 आवर अपने शेख से उसका ताल्लुक रहे और देखते रहे कि गुनाह से बच जाए। अरे सुभान अल्लाह, अस्तर खान का काम और शेख का काम यही होता है। अक्सर लोग आते हैं वो समझते हैं जी जैसे हम बैत होंगे, हाँ जी अब वजीफे बताएं जी, अब क्या करना है जी हमने, अब कितने ये पढ़े कितने ये पढ़े। सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों की शान की अजीब है, कहते मैं तुझे कब कह रहा हूं, सब तू अल्लाह का नाम ले और गुना कोई ना कर, गुना कोई ना कर, एक नाम ही काफी है, अल्लाह का नाम दिल में उतर जाए तो इससे बड़ी इबादत कोई है ही नहीं। जहां अल्लाह का नाम तेरे दिल में उतर गया तो सफाई ऐसी करता है, ऐसी करता है कि अगर किसी 100 साल के ना मानने वाले को जो खुदा को नहीं मानता, बुतों को पूछता हो और एकदम उसके दिल में अल्लाह का नाम उतर जाए तो 100 साल की बुत परस्ती खत्म हो जाती है, ऐसा पाक कर देता है कि कम है अल्लाह का नाम। स्थानीय रहमतुल्लाह से पूछा ना किसने, हजरत आपने बताया मैं 50,000 इसमें जात करता हूं और कभी कभी तो 1,00,000 तक हो जाते हैं, बड़ी बात है। लेकिन हजरत अब ये तरबियत, अब सूफियों को बता रहा हूं दास, मतलब ये है कि कोई फायदा नहीं हो रहा। अब हमारे नजदीक फायदा क्या है कि हम गए भाई बैत हुए अल्लाह का नाम सीखे, हमारा कोई अपना स्टैंडर्ड है फायदा का? अस्तग़फिरुल्लाह, पूछें जिस शेख के पास गए उससे पूछें जी इसका फायदा क्या है जो मैं जिक्र करने आपके पास आया, इससे मुझे मिलेगा क्या, मुझे हासिल क्या होगा। इतना ताल्लुक रखते ना अपने शेख से ना कि जी मेरा जिक्र आपने दिया है तो मैं, मुझे इससे फायदा क्या है, तो वो क्या कह रहे थे मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था। क्या जवाब दिया हमारे हजरत, घूम के कहते थे ये बात, कहते आज कमाल है तुझे फायदा नहीं हो रहा, कहते ये कम फायदा है, इससे ज्यादा और फायदा क्या हो सकता है कि अल्लाह तुझे अपने नाम की तौफीक दे रहा है। मैंने सुभान अल्लाह, पूछो किसी से जाके, करोड़ों इंसान अरब इंसान जिनको पता ही नहीं कि अल्लाह बोलते कैसे हैं, और हमारे यहां तौफीक कि अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल का बच्चा 1 साल से बस सास, मैं 9 महीने के बच्चे को मैं कहते देखा अल्लाह कह देता है, जो अल्लाह कह दे उससे बड़ी क्या तौफीक है।
अब ये तो एक अलग टॉपिक है, अगर इसकी फजाइल देखने लगे, अल्लाह कहने की फजाइल क्या है और इनामात क्या है, वो तो खत्म ही नहीं होते, वो तो खत्म ही नहीं हो सकते। किसने अल्लाह का नाम ले लिया, हम यहां क्या करने बैठे, वो तकीर करने नहीं आए, कोई मजमा लगाने नहीं आए, हम कुछ भी नहीं करने बैठे, हमारा कोई ताल्लुक किसी से नहीं है, कोई दोस्ती किसी रिश्तेदार नहीं है, दावत नहीं है, सिर्फ एक ना, हम कोई नमाज नहीं पढ़ने आए, कुछ भी नहीं करने आए, एक चीज के लिए हम बैठे हैं। और अल्लाह जानता है हमारी सारी नीयतों को, जानता है हमारे आने को, जानता है हमारे बैठने को, जानता है, एक चीज के लिए बैठे हैं कि हम सब इकट्ठे होकर अल्लाह का नाम लें। इसी ने बिठाया ना, और तो कोई चीज नहीं। तो अल्लाह कहता है जब तुम इसलिए बैठे हो तो लो रब गवाही देता है, आओ फरिश्तों जमा हो जाओ, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं, इन सबको बख्श दिया मैंने। कहते ये काम है काम, और वहां से फरिश्ता बोलते हैं कि अल्लाह ताला वो तो सब सही है, बख्शीश बहुत बड़ी चीज है भाईयो, बख्शीश तो बहुत बड़ी चीज है। हम अपनी शक्लें तो देखें, मैं अपनी बात करता हूं, गिरेवान देखें कि बख्शीश हो सकती है हमारी इस एक मजलिस में, क्योंकि सिर्फ अल्लाह का नाम लेना था, इतनी बाबरकत नाम है। तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह, लेकिन एक आदमी नाम लेने नहीं आया था, वो तो वैसे ही आ गया था देखने, कर क्या रहे हैं ये, हैं कौन लोग यार, जाके तो देखे, कोई जासूसी करने आया था, कोई अपना कुछ करने आया था, उसकी नीयत ही नहीं थी, वैसे ही बैठा था। कहते हैं हमने तो रिपोर्ट देनी है ना तुझे, तो उसके बारे में क्या ख्याल है। तो सुभान अल्लाह, कहते हैं, कहते फरिश्तो ये मजलिस ही ऐसी है, अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह, कहते ये मजलिस इतनी बाबरकत है कि इसमें कोई किसी नियत के साथ आ गया वो भी बख्शा गया। अल्लाह का नाम है तो क्या कम है फायदा कि अल्लाह का नाम तुम ले रहे हो, है ना, कितनी बड़ा फायदा। तो सूफी आजाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक काम कराते हैं कि तुम बस अल्लाह का नाम लो, लेकिन इस नाम को महफूज करने के लिए, ताकि इसके बेनिफिट पूरे तुम्हें आखिरत में मिल जाए, दूसरा काम तुम्हारा यह है कि तज़किया शीट की तरफ लग जाओ, अपने गुनाहों से बचना शुरू हो जाओ, इस पे जोर दो। असल सूफियों की जगह ये काम होते हैं, वज़ाइफ कम चलते हैं, हजरत ये कर लूं, हजरत रोजे रख लूं, हजरत फराक कर लूं, हजरत मैं नफिल पढ़ लूं, हजरत ये कर लूं, लोग खुजली होती है लोगों, हजरत शाक पढ़ लूं, हजरत फराक पढ़ लूं, बैठे बैठे आराम से, कोई जरूरत नहीं, हजरत इतनी तलावत नहीं कर लूं, सबर कर लूं, बैठ वक्त आएगा तो करना भी। हजरत ये बादशाह पहले बताए, हजरत मौलाना तकीर बुद्धुल्लाह अली उनके भाई रफी, दोनों कितने बड़े इंसान है, जब फारिग हुए पढ़ाई से तो उनके वालिद खुद बड़े शेख थे, तो उन्होंने भेज दिया हजार आलू बिल्ला की तरफ, डॉक्टर हाई रहमतुल्लाह की तरफ, दोनों को पकड़ा, हालांकि खुद बहुत दोनों पीर भाई भी थे, पकड़ा, कहते जी ये दो बच्चे इनकी तरबियत कर दे, तो कह रहे आप आलिम है, वो आलिम तो नहीं थे, और हजरा मेरे आप भी तो शेख हैं, मेरी तरफ क्यों लेके आए, कितनी तेरे हवाले कह के छोड़ के चले गए। इतने बड़े आलिम की औलाद, उनसे बड़े कितने बड़े आलिम होंगे दोनों, वो दोनों बताते हैं कि 10 साल तक, कितने साल, एक नहीं दो नहीं 10 साल तक हमें इजाजत नहीं थी कि हम जाके कहीं तकीर करें, 10 साल तक तकीर नहीं की दोनों भाइयों ने, 10 साल के बाद फिर एक इम्तहान लिया गया दोनों का, बड़े भाई बताते हैं एक इम्तहान लिया हुआ, फिर हम इम्तहान में कामयाब हुए तो फिर हमें बुखारी शरीफ की तरफ भेजा गया, जाओ खत्म करो, कहता वो जो खत्म था पेशावर की तरफ भेजा था, कहते इससे बेहतरीन और फैज किसी चीज में पाया ही नहीं। उस वक्त बड़ी बातें होती थी, कह रहे हैं खुद सुनाते हैं कि क्या भाई अजीब बात है, इतने बड़े आलिम है, इतने बड़े आलिम की औलाद है, इनको तकीर क्यों नहीं करते, खुजली होती है बहुत सख्त खुजली होती है ना आदमी को, मैं भी तकीर करूं, कुरान की तफसीर करूं, फला पढ़ूं, लेकिन जहां तस्किए होते हैं बोले सुभान अल्लाह, वहां तो फिर गाड़ी डिफरेंट चलती है, वहां तो बहुत कुछ होता है, वहां मामला डिफरेंट चलता है, नूरा नूर कर देते हैं इंसान। तो वहां चीज यही है कि तू इस काबिल है कि तेरी बात में वो असर, बात तो पहुंच गई है तुझ तक, इलम तो हासिल कर लिया है, लेकिन तेरे अंदर वो चीज आ गई है कि जिस वजह से तुझे इलम दिया गया है कि तू मखलूक को जिंदा कर दे, उनके दिलों को जिंदा कर दे,
तेरी गुफ्तगू से, तो तेरे सामने के दिल जिंदा हो जाए किसी, उसी वक्त होंगे जब मन ही हाथ से बचेगा, बैरियर से निकल जाएगा, तस्की से सीना साफ हो जाएगा, उसके अंदर कोई जरूरत नहीं होगी। तो बड़ी चीज क्या मेरे भाइयों, नबी करीम इरशाद फरमाते हैं। देखिए अब दूसरी तरफ इनाम बताएंगे, सबसे बड़ा मुकाम क्या है इंसान का, काम मोमिन नहीं, कामिल मोमिन, कितना बड़ा मुकाम है, ठीक है ना, मोमिन नहीं कामिल मोमिन। तो अल्लाह के नबी समझ इरशाद फरमाते हैं, कहते कामिल मोमिन बनने के लिए इतना ही काफी है कि तू गैर जरूरी अमूर को बस छोड़ दे, सुभान कि और इसके लिए कोई बड़ी इबादत नहीं है। अगर तुमने इस इबादत को अख्तियार कर लिया कि गैर जरूरी अमूर तूने जिंदगी से निकाल दिए, तो फरमाया अल्लाह के नबी गारंटी देते हैं तू मोमिन नहीं कामिल मोमिन बन गया, कामिल मोमिन बन गया। कैसे बन सकता है इंसान अच्छा इंसान, कैसी इनामत हासिल कर सकता है जिसकी निगाहें भी गंदी हों, जबान भी गंदी हो, दिल भी जिंदा हो, ख्यालात भी गंदे हों, बातें भी गंदी हों, इबादत का क्या है, वो तो गंद में बैठा है। मेरे भाइयों आए दुआ करें इस बाबरकत रात में कि हम अपने गुनाहों की तरफ ध्यान रखें, मन याद की तरफ ध्यान रखें, और इसके लिए जहर है, खुद अपने ऐबों को नहीं जा सकता, इसीलिए किसी अल्लाह वाले के पास जाना चाहिए, और वहां इसीलिए जाए आदमी बिल्कुल बेफिक्र होके जाए कि और मुझे कोई काम नहीं ना, मेरे गुनाहों को मैंने अपने शेख से अपने गुनाहों को निकलवाना है, अपने ऐप पता है, अपने गुनाह पता है, पेश करें अपने आप को सामने, वक्त जाया ना करें, अगर शेख नहीं तो शेख बना लें, अगर शेख है तो उसको सही इस्तेमाल करें उस रिश्ते को कनेक्शन, ऐसा ना हो कि सब कुछ होने के बावजूद इंसान प्यासे दुनिया से चला जाए और वो मंजिल ना मिल सके कि जिस वक्त गुजर रहे हो। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे कानों में आवाज आए कि मैं तुझसे राजी तुम मुझसे राजी, तुम मर्दैया हो जाए, बस इस मंजिल को हासिल करना है भाइयों ने। तो कोशिश करें कि हराम ना हो, हराम चीज ना हो, या जो है गैर जरूरी अमूर, बहुत बेहतरीन एक ही लफ्ज काफी है, उसमें सब कुछ आ गया, बिला वजह प्रोग्राम देखने, ये देखना, फला देखना, जब ये हो रहा हो तो कंट्रोल, तमाम ख्यालात को पकड़ें, उसके लिए बेहतरीन चीज जो मिलती है शेख के पास है वो कल भी जिक्र मिलता है मुराकबा। अल्लाह ने मुराकबे के अंदर वो चीज रखी है, ये वो तरीका है अल्लाह को याद करने का, मुराकबा। जिक्र तो बहुत है, कुरान भी जिक्र कर रहे हैं, तलावत भी कर रहे हैं, तस्बीहात भी कर रहे हैं, ये सब जिक्र चलते हैं, लेकिन मुकाबला है ही नहीं इसका जो अल्लाह ने रखा है। ये सबसे पहली इबादत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मराकबा, सबसे पहली, कोई नमाज नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस क्या था, मराकबा था, मेडिटेशन था। किस चीज का मेडिटेशन था, इसमें जात अल्लाह का मेडिटेशन था, कोई कुरान नहीं था, कुछ चीज नहीं थी, सिर्फ एक इसमें जात अल्लाह था, और अल्लाह का नबी उस पर मराकबा फरमाते थे, वही उसने अपनी उम्मत को दिया, अल्लाह बोले सुभान अल्लाह। इतनी जबरदस्त चीज है मराकबा कि जितने घंटे आप बैठेंगे उसी करोड़ अल्लाह की फयूज और बरकात की रहमतें बरसना शुरू हो जाती है, अंदर ऐसा साफ हो जाता है, और उसकी कदर मराकबे से आपको शैतान भगाएगा, बता देता हूं आपको, खुजली कराएगा, उठाएगा, खैरादर करेगा, उधर करेगा, नहीं यार थोड़ा ये तस्वीर कर लेते हैं, थोड़ा तलावत कुरान कर लेते हैं, पता तो छोड़ दे सब चीज, मेरे शेख ने क्या मराकबा, मैंने मराकबा ही करना है, इसमें कुरान भी है, सब कुछ इसमें आ जाएगा। यार तू सो रहे है, तू तो आंख तेरी बंद है, तुझे दिल में ख्याल नहीं आएगा, तू सब ख्यालात को ला कर दें, कम से कम अगर बैठे दिन के अंदर मराकबे में तो आधा घंटा पौना घंटा तो डेफिनेट बैठे एक निश्चित के अंदर, घड़ी को रख के खुजली हो रही है, तो आप बैठे रहूंगा हिलूंगा नहीं, एक हफ्ता आप शैतान से इस तरह लड़के देखें। अभी एक साहब आते थे, नए नए आए थे, तो मराकबे जी तो बड़ा मुश्किल है जी मराकबे, तो चलिए तो तस्वीर बता दें, तस्वीर कर लेंगे। अब हाल ये हुआ कि जब 40 दिन के बाद आए तो कहते जी घर वाले ढूंढते फिरते हैं, तीन तीन घंटे मराकबे में बैठे रहता हूं, नींद सही थी उसकी, ये बैठना चाहता, हमारा बड़ा मुश्किल है जी, कोशिश करते हैं जी, काम नहीं है भैया, ये तो फिर अजीब मामला है ना,
ये तो आप खुद कॉपरेट करेंगे, हमें चाहिए ही नहीं, अल्लाह हमें जरूरत ही नहीं किसी चीज पर, हम तो सेटिस्फाई चीज से। ये पढ़ लें जो मैंने आपको बताया, इस बयान को दोबारा इसमें अर्ज की है, बयान तो नहीं है, ये चंद बातें अर्ज की हैं, इसको फिर सुन लेंगे आप तो समझ आ जाएगी बात। देखिए इतने रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, अल्लाह से कितना राजी है, बड़े पैमाने खुद अल्लाह ने दिए हम देखने के। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि माशा आप तो नहीं गए, अपनी बात करता हूं कि हमें ज्यादा जोर किस पे रखें, गुनाहों से बचने पर, और गुनाहों से गैर जरूरी अमूर हर वो काम, ये नहीं कि मैं जना थोड़ी कर रहा हूं, मैं शराब थोड़ी पी रहा हूं, मैं सूद थोड़ी खा रहा हूं, नहीं नहीं, हर वो काम छोटा सा भी जिससे आखिरत का कोई फायदा नहीं हो रहा, वो तो बेकार हो गया। जब आखिरत का फायदा नहीं हो रहा तो उस काम का फायदा क्या फायदा है कुछ भी। जरूरियात जिंदगी के जो अमूर है, जैसे खाना पकाना पहना या नौकरी करना या बिजनेस करना, ये तो जरूरियात अमूर है ना, उसमें तो हम खड़े होंगे, कमाई भी करेंगे, टैक्सी भी चलाएंगे, नौकरी भी करेंगे, हद तक कि ये जब हो गया काम तो उसके बाद जितने भी काम होंगे सब फजूल होंगे, क्योंकि ये भी दिन नहीं आता ना काम, ये भी तो मशगूल कैसे करें अपने आप को। मशगूल करने का तरीका एक ही है, वो क्या है, जिक्र अल्लाह। जब हम मराकिब में चले जाएंगे, अपने दिल को किसी शेख से जिंदा करा लेंगे, और नीयत सही है, जैसे मैंने बताया कि मैंने करना है ये, अपने आप को मशगूल करना है जिंदगी में, अपने आप को हमने बिठाना है जिंदगी में इस चीज को, तो जब ये चीज पैदा हो जाएगी तो खुद ब खुद अल्हम्दुलिल्लाह उस दिल आपका जो हर वक्त मशगूल किस्म में हो जाएगा, अल्लाह के जिक्र के साथ मशगूल हो जाएगा। और यहां तक नवज़ई शाह नक्शबंद अल्हम्दुलिल्लाह फरमाते हैं कि मैंने एक शख्स को देखा, हालांकि वो खुद थे कसम नफसी से फरमा रहे हैं, अपना नाम नहीं लिया ना, बुजुर्ग ऐसे ही करते हैं, किसी का नाम ले दिया, कहते मैंने एक बुजुर्ग को देखा मीना के मैदान के अंदर कि सुबह से शाम तक उसने 10,000 दरहम का सौदा बेचा, 10,000 अभी उसने पौंड का सौदा बेचा, लेकिन कमाल ये था कि 10,000 का सौदा बेचने के बाद पूरे दिन में एक लम्हा भी उसका दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं था। क्यों? इसलिए ला तल हुकुम तिजारत, कुरान में कह दिया कि कोई तिजारत औलाद माल तुझे बनाया ऐसे मैंने है, लाता हूं तिजारत वालों औलाद अनजिक्रिल्ला, कि ये सब चीजें इसका बहाना ना मानना, अजी बी बच्चों की वजह से नहीं कर सकता, जी मैं नौकरी की वजह से नहीं कर सकता, जी मेरा काम है, कहता इससे तुझे कौन रोक रहा है, लेकिन बनाया तुझे इस तरह है मैंने कि ये काम भी चलेंगे और जिक्र भी होगा मेरा। उसको कहा है रिजाल, अल्लाह पाक ने रिजाल कहा, रिजाल किस कहते हैं, मर्द कहते हैं, मर्द वो ही है कि दुनिया के सारे काम करे, बच्चों को पाले, बीवी को पाले, अपने काम भी करे, दुकान भी चलाए, कारोबार भी चलाए, लेकिन एक लम्हा के अंदर भी उसका दिल जो है अल्लाह की जात से काफिल ना हो। ये उस वक्त हो सकता है कि जब बराबात ने अपने शेख की सोहबत में बैठ के मुराकबात करे, उसके साथ बैठे, इस पोजिशन में अल्लाह सुबहान तआला उसको ले आता है। ये बातों से थोड़ी बनती हैं बातें, ये भाई किससे कहानी थोड़ी है, ये तो अमल की दुनिया है दोस्त, जो जाया हो गया। आज ये नियत कर ले इंशाल्लाह इस मंजिल को हमने हासिल करना है, और इस दुनिया से ऐसे जाना है कि अल्लाह हमसे राजी हो, हम अल्लाह से राजी हो, इसके बगैर हम दुनिया से नहीं जाना। अल्लाह रास्ते आसान फरमा दे, अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब करे। بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المظلمين طه وياسين الحبيب الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي أمه وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا
اللهم لم بناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار فقنا عذاب القبر فقنا عذاب الحشر فقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لا تأتيها اللهم صمتنا للإيمان وأمتنا للإيمان واشهدنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعبدنا بسنته ونفعنا بمحبته وأشرنا في زمرته يا كريم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقت حاجاتنا يا دافي البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم دمرهم هما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللحجه منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين